गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोरीफेरियाज लवर, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉक 8। सो बेसिकली ये पोएम जो है, ये पोरीफेरिया जैसे कि एक लड़की का नाम है, उसके लवर के बारे में है। थोड़ा वो साइको टाइप, थोड़ा एबनॉर्मल टाइप उनका होता है, उसके बारे में है पूरी पोएम। सो गाइस, जब तक आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स होते हैं वो PDF फॉर्म में प्रोवाइडेड होते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट पब्लिश्ड एज पोरीफेरिया जनवरी 1836। सबसे पहले इसे पब्लिश किया गया था पोरीफेरिया के नाम से जनवरी 1836 में। उसके बाद इसे पब्लिश किया गया एज ए ड्रामेटिक लिरिक्स इन 1842। इसका टाइटल जो था ये काफ़ी बाद में जाके डिसाइड हुआ था, पोरीफेरियाज लवर। इट्स ब्राउनिंग्स फर्स्ट एवर शॉर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये ब्राउनिंग का पहला छोटा सा यानी शॉर्ट पोइम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? That is a type of poetry written in the form of a speech of an individual character. यानी यहाँ पे एक स्पीच के फॉर्म में कैसी पोइट्री होती है जो कि एक इंडिविजुअल, जैसे कि कोई स्पीच दे रहा हो उस फॉर्म में जो पोइट्री होती है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक यानी जिसमें ड्रामा हो, और मोनोलॉग जिसमें एक ही इंडिविजुअल जो है वो बोल रहे हैं। इस फर्स्ट पोएम टू एग्जामिन अबाउट एबनॉर्मल साइकोलॉजी, और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पहली पोएम थी जिसमें उन्होंने एबनॉर्मल साइकोलॉजी को एग्जामिन किया था। शॉर्ट पोएम ऑफ 60 लाइन्स, ये ओवरऑल 60 लाइन्स की पोएम है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं इसकी समरी को फर्स्ट पैसेज से, लाइन बाय लाइन। तो बेसिकली ये जो पोएम है ये पोरीफेरिया और उसके लवर के बारे में। उसका लवर जो कि साइको है, थोड़ा सन की पागल टाइप का हम कह सकते हैं। फर्स्ट लाइन, द रेन सेट अर्ली इन टू नाइट, द सलन विंड वॉज सून अवेक। यानी क्या हुआ था कि जिस शाम की बात की जा रही है, यानी जिस दिन को डिस्क्राइब किया गया, वहाँ पे जो बारिश है वो जल्दी होनी शुरू हो गई थी और बहुत ही तेज हवा चल रही थी। इट टॉर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट एंड डिड इट्स वर्स्ट टू वैक्स द लेक। इवन इतनी तेज़ आवाज़ थी कि जो एल्म टॉप्स थे, यानी घर के छत के ऊपर हम कह सकते हैं, वो सब भी जो है वो फट रहे थे, टॉर हो रहे थे। एंड इट इट्स फर्स्ट टू वेक्स द लेक, और लेक भी जो ऐसा लग रहा था कि भूचाल सा आ गया पानी में भी। तो इस तरीके से इस फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट जो है इसका पूरा इवनिंग का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उस शाम का नज़ारा कैसा था, इवनिंग पूरी डिस्क्राइब की गई है। अब आती है बात इसके सेकंड पैराग्राफ की, आई लिसन विद हर्ट फिट टू ब्रेक वन गिल्डेड इन पोरीफेरिया स्ट्रीट। यानी इतनी तेज़ आवाज़ थी कि किसी को हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, कहने का मतलब है कि हार्ट अटैक भी आ सकता है बहुत ही इतने तूफान और आंधी भरे मौसम में। वन गिल्डेड इन पोरीफेरिया स्ट्रीट शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टोन स्ट्रॉन्ग। अब क्या पोरीफेरिया जो है तैयार होके पूरा आई है, और वो अंदर जाती है एक कॉटेज में, एक कॉटेज टाइप का होता है, और दरवाज़ा बंद कर देती है जिससे कि जो कोल्ड है यानी ठंड है, और स्ट्रॉन्ग यानी कि जो तूफान है वो बाहर ही रह जाते हैं। एंड नीड एंड मेड द चेयरलेस ग्रेट प्लेस अप एंड ऑल द कॉटेज वॉर्म। अब क्या होता है, वो नीड यानी अपने घुटनों पर बैठती है, और जो वहाँ पर फायर प्लेस होता है वहाँ पर वो आग जलाती है, और जिससे कि जो कॉटेज है वो थोड़ा वार्म यानी गर्म हो जाए। स्टार्ट करते हैं इस पोएम का थर्ड स्टेंजा, विच टर्न शी रोज एंड फ्रॉम हर विड्रॉ द ड्रिपिंग क्लॉक एंड शॉल। अब ये करने के बाद, यानी वहाँ पर फायर प्लेस पे उसे ब्लेज करने के बाद, फायर जलाने के बाद, वो क्या करती है, उठती है वहाँ से, खड़ी होती है और अपना जो ड्रिपिंग क्लॉक है यानी कि जो रेनकोट है, क्योंकि वो बारिश से आई थी वो, तो पूरा उसका रेनकोट गीला हो चुका था वो, और अपनी शॉल जो है वो हटाती है। एंड लेड हर सॉइल्ड ग्लोव्स
बाय अनटाइड और उसके जो ग्लव्स हैं इन्हें ग्लव्स को वो निकाल दिए. हर हैट एंड लेट द डैम्प हेयर फॉल. और जो उसके हैट है यानी अपने ग्लव्स को निकाल दिए, अपनी हैट निकाल दिए और अपने बालों को जो है वो खोल देती है. फोर्थ स्टैंजा एंड लास्ट शी सेट डाउन बाय माई साइड एंड कॉल्ड मी व्हेन नो वॉइस रिप्लाइड. और क्या होती है इसमें फर्दर जो मोनोलॉग चल रहा है यानी उसका जो लवर है वो ये सारी चीज़ें बता रहा है. उसके बाद लास्ट में वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे बुलाती है लेकिन वो कोई जवाब उसे नहीं देता. शी पुट माई आर्म अबाउट हर वेस्ट एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर. क्या करती है उसके आर्म को उसके वेस्ट पर रखती है और उसका जो शोल्डर होता है वाइट शोल्डर उसे वो बेयर कर देती है यानी खाली कर देती है. फिफ्थ एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड एंड स्टॉपिंग मेड माई चीक लाई देव एंड स्प्रेड ओवर ऑल हर येलो हेयर देव. उसके बाद वो क्या करती है जो उसके येलो हेयर है वो उन्हें डिस्प्लेस कर देती है और एंड स्टॉपिंग मेड माई चीक लाई देर. और उसका जो हेड होता है यानी उसके लवर का हेड होता है वो अपने उसके शोल्डर पर रख देती है और जितने भी उसके येलो कलर के जो हेयर होते हैं उन्हें वो थोड़ा सा फैला देती है. अब शुरू करते हैं इसका सिक्स स्टैंजा. मर्मरिंग हाउ शी लव मी शी टू वीक फॉर ऑल हर हर्ट्स एंड एवर. यानी इसमें क्या होता है जो मोनोलॉग को कंटिन्यू करते हुए उसका लवर बताता है कि वो उसके कान में आके मर्मर करती है यानी बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलती है कि वो उसे कितना प्यार करती है लेकिन उसे ये लगता है कि उसका जो ये प्यार है बहुत ही कमज़ोर है क्योंकि वो उसे प्राइवेटली आके बोल रही है, ये बात उसे पब्लिकली नहीं बोल रही. टू सेट इट स्ट्रगलिंग पैशन फ्री फ्रॉम प्राइड एंड वेनर टाइज डिसर्वर. और ये बोलती है और फर्दर वो उसे ये बोलता है कि जो उसका पैशन है वो कमज़ोर है यानी स्ट्रांग नहीं है. उसका जो प्यार है उसका जो पैशन है उसके लिए बहुत ही कमज़ोर है और उसमें प्राइड भी है प्लस उसमें वैनिटी भी है क्योंकि वो एक हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है इस वजह से. एंड गिव हरसेल्फ टू मी फॉर एवर. और वो उसे फॉर एवर की मतलब हमेशा के लिए वो उसकी नहीं हो पाई. अब आता सेवन स्टैंजा. बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल Nor could tonight's gay feast restrain. सेवन स्टैंजा में वो ये बोलता है कि उसका पैशन जो है वो इतना वीक भी नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऐसे तूफान भरे ऐसे आंधी भरे मौसम में उसे मिलने नहीं आती. और nor could tonight's gay feast restrain. और ना ही वो उसके लिए फीस्ट यानी जो उसके पार्टी हो रही थी उसके घर पे उस पार्टी को छोड़कर वो आती. अ सडन थॉट ऑफ वन सो पेन फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन मी. बट सडनली वो जो है उसका फेस जो है थॉट ऑफ पेन यानी पीला पड़ जाता है वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो एक लोअर फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक हाई सोसाइटी फैमिली से बिलोंग करती है तो वो ये कहता है कि जो सोसाइटी है वो उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसका जितना भी प्यार है वो सारा वेन हो जाता है. आता है इसका एट स्टैंजा. सो शी वॉज कम थ्रू विंड एंड रेन बी श्योर आई लुक्ड अप एट हर आइज. फर्दर वो इसमें ये बोलता है कि वो विंड और रेन में भी उसके पास आई है और वो ये श्योर करता है उसकी आंखों में देखता है. हैप्पी एंड प्राउड एट लास्ट आई न्यू पॉरीफेरियस वर्शिप मी सरप्राइज. उसके बाद वो उसकी आइज में देखता है और वो देखता है कि वो कितनी खुश और कितनी प्राउड है और वो उसे बताती कि वो उसकी वर्शिप करती है जिससे कि वो सरप्राइज हो जाता है. मेड माई हार्ट स्वेल एंड स्टिल इट ग्रू वाइल आई डिबेटेड वॉट टू डू. जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है उसका जो दिल है वो खुशी से फूल जाता है और वो ये सोचता है कि उसे करना क्या चाहिए. वो अपने आप से एक सवाल पूछता है. नाइन स्टैंजा. दैट मोमेंट शी वॉज माइंड माइंड फेयर परफेक्टली प्योर एंड गुड आई फाउंड. वो बोलते हैं कि उस मोमेंट पे यानी उस टाइम पे वो सिर्फ उसी की थी उसकी जो फेयरनेस थी वो उसके लिए थी और परफेक्ट है वो उसके लिए बिल्कुल प्योर है गुड है जैसा कि वो देख रहा है. इन
In one long yellow string I wound three times her little throat around. अब वो क्या करता है, वो उसके बालों को, उसके जो येल्लो कलर के हेयर होते हैं उन्हें एक स्ट्रिंग में बांधता है और तीन बार उसके गले के चारों तरफ उन्हें लपेट देता है. एंड स्ट्रैंगल्ड हर, नो पेन फेल्ट शी, आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन. और तीन बार उसके गले के चारों तरफ उसके बालों को बांधने के बाद उसका गला दबा देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाती है और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता उसका. नो पेन फेल्ट शी, और वो बोलता है कि उसे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ. आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन, और वो बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा श्योर है इस चीज़ को लेकर कि उसे दर्द नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि उसने क्वाइटली उसको मार दिया, उसकी कोई आवाज़ नहीं है. अब शुरू करते हैं इसका टेंस टेंजा. एज अ शट बट दैट होल्ड्स अ बी आई वियरली ओपन्ड हर लिड्स अगेन. अब इसमें ये फर्दर जो उसका लवर है, उसका साइको लवर है, ये बोलता है कि जिस तरीके से जो बीज हम एक फ्लावर को होल्ड करती हैं उसी तरीके से उसकी जो आईज हैं वो दिख रही होती हैं. वो फिर से उसके आईलिड्स को ओपन करता है, उसकी ब्लू आईज को देखता है और विदाउट एनी शेम जोर जोर से हंसता है. एंड आई अनटाइड नेक्स्ट द ड्रेस, और उसके जो बाल उसने उसके नेक की तरफ बांधे होते हैं तीन बार, उन्हें वो अनटाई कर देता है यानी हटा देता है. 11th stanza. द स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड सो ग्लैड इट हैज़ इट्स अटमोस्ट वेल्थ. अब वो ये कहता है कि जो उसका हेड है वो स्माइली रोजी लग रहा है, यानी बहुत ही रोजी लग रहा है, यानी पूरा वो रोजी मींस पिंकिश कलर का लग रहा है. और वो ऐसा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका है, तो जिसकी वजह से वो रेड रेड नज़र आ रहा है. सो ग्लैड इट हैज़ इट्स अटमोस्ट वेल्थ, और जो चाहता था वो कर चुका होता है. That all it scorned at once is fled, and I its love am gained instead. और वो ये बोलता है ऐसा करने से, यानी पोरिफेरिया को मारने से उसे ये फ़ायदा हो गया कि पोरिफेरिया को उसकी जो चीज़ें पसंद नहीं थी अब वो उसे कुछ नहीं कह सकती, और उसे भी उसका जो प्यार है वो उसने हमेशा के लिए उसे पा लिया. बात करते हैं स्टेंजा नंबर 12 की. पोरिफेरियाज लव शी गेज नॉट हाउ हर डार्लिंग वन विश कुड बी हर. अब ये बोलता है कि पता नहीं पोरिफेरिया ने कैसे गेस किया होगा कि कैसे उसके विश जो है वो पूरी की जा सकती है. एंड दस वी सिट टुगेदर नाउ एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टेड. और वो वैसे ही उसी पोजीशन में पूरी रात बैठे रहते हैं, ज़रा सा हिलते भी नहीं हैं. एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड. और वो फर्दर कहते हैं कि गॉड को भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, गॉड ने भी जो है इसके खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला. सो गाइज, इसकी जो समरी है वो स्टेंजा वाइज कंप्लीट होती है. बात करते हैं इसके थीम्स की. इसके थीम्स हैं, फर्स्ट है लव, वायलेंस एंड कंट्रोल, एंड सेकंड इज सेक्सुअलिटी, मोरालिटी एंड हाइपोक्रेसी. सो गाइज, इसी के साथ ही पोइम यहाँ पर कंप्लीट होती है. आई होप आपको ये पोइम समझ में आई होगी. अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पोइम के साथ. अब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ never stop teaching. Thanks for watching.